अभी हम जिस प्रॉपर्टी के सैंपल फ्लैट में खड़े हैं, एक्चुअली ये लिविंग लिविंग नहीं है आपका, ये आपका बेडरूम का साइज़ है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये लिविंग का साइज़ है, बट ये जितना बड़ा कारपेट आपको मिल रहा है वो आपको बेडरूम में मिल रहा है, प्लस आपको अटैच 2 फीट की बैल्कनी मिल रही है। चलते अब इसके मास्टर WC की तरफ, प्लस आपको ये 1.5 फीट का वार्डरोब स्पेस मिल जाता है जो आप देख रहे हो, जहाँ पे अपना आप वार्डरोब बिल्ड कर सकते हो। ये आपका अटैच WC जो आपको फिटिंग्स दिख रही है वो एज इट इज़ मिलने वाली है। टाइलिंग्स आपको फुल करके मिलने वाला है। WC में आपको 24 आवर वाटर सप्लाई रहेगा। जो डोर का फ्रेम रहेगा वो मार्बल का रहेगा। ये अपना बेडरूम का एंट्रेंस गेट रहेगा जहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग मिल जाती है, और एक अच्छी क्वालिटी की डोर है। आपको जो विंडो रहने वाला है स्लाइडिंग, वो आपको फ्रेंच विंडो मिलने वाला है डेवलपर की साइड से। अब चलते हैं इसके किचन की तरफ। किचन में आप जो साइज़ देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि नहीं आज के वसई विरार में लोग इतना बड़ा आपको लिविंग ही दे रहे हैं, जितना बड़ा इसका किचन का साइज़ है अगर आप देख पा रहे हो तो। जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, ये आपका कॉमन प्लेटफॉर्म, ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म। एक बार प्लेटफॉर्म का साइज़ देख लो आप। जहाँ तक आपको टाइलिंग्स दिख रही है ना डेवलपर के साइड से, एज इट इज़ आपको करके मिलने वाली है। ये 100 फ्लैट ही है, लेकिन जितना जो चीज़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो फ्लैट में वही चीज़ रखे हुए हैं या दिखा रहे हैं। बिल्डर के साइड से आपको 3 कैबिनेट मिल जाता है, मॉड्यूलर किचन मिल जाता है आपको। ये आपका कॉमन WC एज इट इज़ मिलने वाला है। जो फिटिंग्स और टाइलिंग्स आपको दिख रही है एज इट इज़, आपको डोर का साइज़ देख लो आप, कितना बड़ा दिया हुआ है। जो आज के वसई विरार के लोकेशन में इतनी बड़ी हाइट मिलना डोर का, वो पॉसिबल नहीं है, पुराने बिल्डर ही दे पाते थे। प्लस आपको जो किचन में बैल्कनी की साइज़ मिलने वाली है वो 2.5 फीट की रहने वाली है एक्चुअल में। अभी ये 2 फीट की है, लेकिन जो एक्चुअल साइड हम लोग हमारा बन रहा है सामने, वहाँ पे आपको 2.5 फीट की मिलने वाली है। जो आप वहाँ तक टाइलिंग्स देख रहे हो ना, वो पूरा मिलने वाला है, जहाँ पे आप ना इजीली वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं इसके लिविंग की तरफ। लिविंग का साइज देख लो आप। आपको एंटर करते ही यहाँ पे इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आपको एक टेलीकॉम सिस्टम यहाँ पे फिट करके मिल जाएगा। डोर का फिनिशिंग देख लो आप अंदर से। फॉल सीलिंग जो आपको डेवलपर के साइड से प्रोवाइड होने वाला, लाइटिंग और फॉल सीलिंग, इसका भी विंडो जो रहने वाला है फ्रेंच विंडो रहने वाला है। अगेन जो लिविंग में साइज़ मिलने वाली है बैल्कनी की, वो भी 2 फीट की रहने वाली है। और एक रेलिंग आपको जो दिख रही है वो डेवलपर के साइड से ही प्रोवाइड होएगा, एज इट इज़ प्रोवाइड होएगा जितना आपको हाइट दिख रहा है। साथ में आपको एक मॉस्किटो नेट मिल जाता है यहाँ पे। एक बार मैं बोलता हूँ, आप लिविंग का साइज़ देख लो। ये 15 फीट की 16 फीट की हाइट लिविंग की साइज़ है, 16x10 की है। प्लस आपको एमिनिटीज़ की अगर बात करें हम लोग तो सारे एमिनिटीज़ है, 35 मॉडर्न एमिनिटीज़ है। जो स्टैंडर्ड है, जो आज के टाइम में नीड है, वही डेवलपर ने रखा हुआ है। प्लस लोकेशन की अगर बात करें तो हम वसई ईस्ट में आता है, स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और सेकेंड चीज़ में जो इसका बोलने जा रहा हूँ, प्राइजिंग और प्रोजेक्ट का पोजेशन और काम कितना हो चुका है। बिल्डिंग का 17 माले तक का काम हो चुका है, 23 स्टोरी की बिल्डिंग है, और जो इसका प्राइजिंग है वो 38 लैक्स है। बट आप बोलोगे इसका प्राइसिंग अदर डेवलपर तो 35 में भी देते हैं, सुरक्षा जैसे प्रोजेक्ट 30 में भी देते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो डेवलपर दे पा रहे हैं कम बजट, लो बजट में प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो आप। और सेकेंड चीज़ में जो बोलना चाहता हूँ आपको कि अपना कारपेट बड़ा है। कारपेट बड़ा है मतलब अदर डेवलपर जैसे आज नक्षत्रा, आस्था या वेदा की बात करें तो वो 390 का एरिया 35 लैक्स में देते हैं, और यहाँ पे जो आपको एरिया मिलने जा रहा है वो 483 का कारपेट एरिया मिलने जा रहा है।
और मैं आपको एक बार कंस्ट्रक्शन साइट दिखा देता हूँ कितना हमारा काम हो चुका है। चलते हैं। ये जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है यही हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 16-17 स्लैब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। सामने आपको 120 फीट का रोड मिल जाता है जो सीधा वसई स्टेशन को कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। अंदर प्रोजेक्ट के नियर बाई में डीमार्ट भी है, अच्छे हॉस्पिटल्स और स्कूल भी यहाँ पे नियर बाई है 200 मीटर के रेंज में। मंदिर, टेंपल, चर्च और आप बैंक ब्रांचेस जो एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए वो सारी चीज़ें नियर बाई है प्रोजेक्ट के। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, कारपेट एरिया पसंद आ रहा है, प्राइजिंग पसंद आ रही है और प्राइजिंग में कुछ आपको थोड़ा बहुत और 19-20 करना है, निगोशिएशन पार्ट रखना है, तो एक बार आप अपना इंक्वायरी छोड़ सकते हो मेरे पास, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका सैम्पल फ्लैट का वीडियो और बाकी डिटेल्स मैं आपको दे पाऊँगा। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो साइट विजिट के लिए प्लान करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा हूँ या फिर सब टाइटल में दे रखूँगा, मैं वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।